जब देश का आजादी मिला तब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो अभी की जरूरत न पड़ती। किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? धर्म के आधार पर विभाजन कांग्रेस पार्टी ने किया। क्या आप कहना चाहते हैं पाकिस्तान में मुसलमान पर अत्याचार होगा, बांग्लादेश में मुसलमान पर अत्याचार होगा? कभी नहीं हो सकता। मान्यवर, हिंदू, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं मान्यवर, एक मिनट मान्य सदस्य, एक मिनट इतने अधीर मत होइए अधीरंजन जी, बैठिए जरा। हाँ बोलने, आपको भाषण का समय आएगा। एक मिनट मान्यवर, ये सारी चीजों का मैं जवाब दूंगा। माननीय, प्लीज, जब देश का आजादी मिला तब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो अभी की जरूरत न पड़ती। किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने किया है, हमने नहीं किया है। धर्म के आधार पर विभाजन कांग्रेस पार्टी ने किया है। मान्यवर, उनको सुनना पड़ेगा, इतिहास है, इसको सुनना पड़ेगा। मान्यवर, इस देश का विभाजन, माननीय आपका अंकित हो रहा है, माननीय गृह मंत्री जी आपका अंकित हो रहा है न्यू राहुल का। सुनना पड़ेगा सब उनको। चलो प्लीज बैठ जाइए। माननीय सभापति महोदय, ये तीनों राष्ट्रों के अंदर जो धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर 6 धर्म समुदाय, जिसका मैंने नाम कहा, वो लोग भारत में आए हैं, उन लोगों को भारतीय नागरिकता देने के लिए प्रस्ताव है। दिस इज रीजनेबल ग्राउंड फॉर क्लासिफिकेशन, और ये रीजनेबल ग्राउंड ऑफ क्लासिफिकेशन के आधार पर आर्टिकल 14 को ये बिल आहत नहीं करता है। मान्यवर, मैं फिर से एक बार कहता हूं कि ये 3 राष्ट्रों से भी अगर कोई मुस्लिम सज्जन हमारे कानून के आधार पर एप्लीकेशन करता है तो ये देश खुले मन से इस पर विचार करेगा, परंतु उन लोगों को ये जो प्रावधान होने जा रहा है इसका फायदा इसलिए नहीं मिल सकता मान्यवर, क्योंकि उनके साथ धार्मिक प्रताड़ना नहीं हुई है। ये निश्चित क्लासिफिकेशन के आधार पर बिल लेकर आया हूं मान्यवर। मान्यवर, आर्टिकल 371, एक मिनट प्लीज। मान्यवर, आर्टिकल 371 का जिक्र किया, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आर्टिकल 371 के किसी भी प्रोविजन को ये बिल वायोलेट नहीं करेगा, इसको आहत नहीं करेगा, वो जस्ट के तस्ट वहां रहेगा।